9th जनवरी को मेरी एक छोट स्टेटमेंट हुई थी, वहाँ चर्च साहिबा आई थी, वहाँ पे एलकेमिस्ट में, तो मैंने तब उनको बताया था कि उन्होंने मेरे ऊपर डाल के अपने आप को भी उन्होंने बर्न करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने आप को, क्योंकि मैम जब लोग आ गए थे तो उन्होंने शायद अपने आप को वो विक्टिम शो करा कि मेरे को भी लग गई है, जा कुछ ऐसा। मैम, जब इन्होंने इसको गला पकड़ के ऐसे लगाया, राइट, तो मैम इनको भी पेट्रोल का वो आ गया, मतलब तो शेड्स आ गई, पर उनको कोई हक नहीं है कि वो इनको बर्न करें। वो शातिर थे मैम, तेज दिमाग के जो है, क्योंकि प्लान्ड एक्टिविटीज थी ये सारी, राइट। तो लोग आ गए अचानक से, और जब ये मतलब उन्होंने पूरा मारने की कोशिश की, और दीदी पूरा बर्न नहीं हुई, उन्होंने चिल्लाई, राइट, अपने आप को भागने की कोशिश की वहां से। तो जैसे भागने की कोशिश की, तो उन्होंने सोचा अब इसको कैसे कर्टेल किया जाए। तो एक शातिर जैसे मैम होता है ना, उन्होंने शातिर तरीके से इशारा किया, और फिर जब ये हॉस्पिटल एडमिट हो गए, मैम हॉस्टल वाले कब से इनको डिस्चार्ज दे रहे थे, इन्होंने डिस्चार्ज ही नहीं लिया वहां से भी, हॉस्पिटल से भी। कितने दिन वहां पे बैठे रहे कि सो दैट किस अरेस्ट को, मतलब कि वो बाईपास कर सके। और आज की डेट भी है मैम, वो फरार है। जो बंदा मेडिकली अनफिट है वो फरार कैसे हो सकता है? अब उनका मेडिकल करवाए ना, पुलिस बताए कि कहाँ पे उसको अनफिट है वो, कि वो नहीं हो रहे, वो घूम फिर रहे हैं अपने, फरार हैं वो, तो भाग फिर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से अपने ऊपर पेट्रोल डाला ताकि वो भी कह पाए कि उनको भी चोट आई है और वो अरेस्ट अवॉइड कर पाए, पर आप ये भी सवाल रेज कर रहे हैं कि क्योंकि वो फरार हैं तो अगर हाँ उनको जी इतनी चोट आई होती तो वो फरार कैसे होते? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो तो मैम घूम फिर रहे हैं आराम से, है ना। तो अगर इतनी वाकई में इतनी है, तो आप दीदी की हालत आप देख ही रहे हैं मैम, अभी भी ड्रेसिंग हो रही है आपके सामने, उनकी स्थिति है आज के इतनी देर बाद, उसके बाद भी ये सब है। और वो तो आराम से, उनका तो आप उनके डॉक्टर से आप बात करिए, बेटर है मैम। जो डॉक्टर थे वो बताएंगे कि उनकी तो ना कोई ड्रेसिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और दीदी का तो उन्होंने पीछे पकड़ के जला देगी, इसलिए सारा गला वाला फेस सारा जला हुआ है, क्योंकि ऐसे डाला होगा तो उसी हिसाब से देखिए, सारा पूरा शरीर जला हुआ है दीदी का तो। ये पुलिस ने हमें भी कंफर्म किया कि ये फरार है, लेकिन हाँ जी, हमने जब बार बार पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो उन्होंने नहीं कहा मैम, वो भी बड़े महीने उसी अस्पताल में भर्ती थे। तो आप कह रहे हैं कि वो इतने उनको कोई चोट नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के डिस्चार्ज नहीं लिया, और आपका आरोप है कि उन्होंने अपने अरेस्ट अवॉइड करने के लिए अपने ऊपर भी पेट्रोल फेंका, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो मैम दीदी ने जब स्टेटमेंट सुजाता ने दे ही दिए, मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया है मैम, उनको कुछ भी हो, उनको सुजाता के ऊपर पेट्रोल डालने का कोई भी हक नहीं है। पहली बात तो ये, उनको किसने राइट दे दिया कि आप इसको उनको बर्न कर सकें? पहली बात तो ये मैम। दूसरा, वो बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को ये सब किया मैम। इवन आफ्टर दैट ऑल्सो ही स्टिल द गिल्टी मैम, ही शुड बी अरेस्टेड। उनका मेडिकल कहाँ पे है जिसमें वन फिट है?